डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और देखिए, जो आपका रिजल्ट है वो फिर से अपडेट होगा 4-5 दिन में। किन किन बच्चों का अपडेट होगा और अपडेट होने से पहले आपको भी अपडेट के लिए वेट नहीं करना है कि हाँ चलो अपडेट तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपडेट से पहले एक काम भी करना है, वो क्या काम करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एक मार्कशीट में आपको दिखा रहा हूँ एक स्टूडेंट की। यहाँ आप देखिए, इनका AA दो सब्जेक्ट में, यानी कि जो इनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इन्होंने प्रैक्टिकल दिया भी था, उसमें AA यानी AA कहने का मतलब है सीधे एब्सेंट है दो प्रैक्टिकल में। अदरवाइज आपने देखा होगा मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मार्कशीट है, रिजल्ट है, उसमें 0-0 नंबर है। कई सारे सब्जेक्ट में 0-0 नंबर है। कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें MW यानी मार्क्स वेटिंग लिख के आ रहा है, कई सारे सब्जेक्ट में 0-0 नंबर है और कई सारे सब्जेक्ट में 1 या फिर 2 नंबर है। तो मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपकी बैक लगी है, अगर आपकी बैक एब्सेंट या हो सकता है आपने कोई थ्योरी का पेपर वगैरह दिया है उसमें एब्सेंट लिख के आ रहा हो और आपने पेपर दिया हो, वो भी अपडेट होगा। मार्क्स वेटिंग में देखिए 2 कंडीशन है। अदरवाइज अगर आपके मार्कशीट में जैसे कि आपने चीटिंग करते हुए आप पकड़े नहीं गए हैं, UFM की कैटेगरी में नहीं है, तो आपका रिजल्ट अपडेट होगा। अदरवाइज आप पकड़े गए हैं, जैसे कि मान लीजिए चीटिंग वगैरह हम पकड़े जाते हैं, तो BTB से ऑफिशियल नोटिस आएगा और उसमें बच्चों की लिस्ट आएगी कि हाँ कितने बच्चों के ऊपर UFM लगाए गए। UFM सीधा समझ लीजिए, UFM कहने का मतलब है कि अगर आप चीटिंग करते हुए या फिर अदरवाइज किसी चीज़ में पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर, आपके कॉपी के ऊपर लाल पेन लगा दिया जाता है। उन बच्चों को क्या करता है बोर्ड, या फिर जो आपकी कॉपी जाती है बोर्ड में, तो वहाँ पर देखा जाता है कि हाँ इस बच्चे पर रेड पेन का सिग्नेचर है या फिर -10 मार्क है, मतलब ऐसे लाल पेन लगा दिया जाता है, या फिर -10 मार्क्स, -50 मार्क्स ऐसे करके लिखा रहता है, तो आपकी कॉपी को, मतलब आपके ऊपर UFM लगा दिया जाता है। आपकी कॉपी की चेक तो हो जाती है लेकिन इसको रोक दिया जाता है, आपको बुलाया जाएगा लखनऊ में। बहुत सारे बच्चों को पिछली बार बुलाया गया था, इस बार देखिए क्या प्रोसीजर होता है। तो उसके लिए आपको बुलाया जाएगा, उसके बारे में अगर अदरवाइज किसी कारणवश आपने कुछ नहीं किया है, अदरवाइज मार्क्स वेटिंग लिख रहा है, तो आपका वो अपडेट हो जाएगा 4-5 दिन में, ठीक है। यहाँ पे एक स्टूडेंट का भी मैंने दिखाया, ऑप्शेंट दिखा रहा है प्रैक्टिकल में और सभी बच्चों ने प्रैक्टिकल दिया है। लगभग इस कॉलेज के बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का ऑप्शेंट था पिछली बार भी और इस बार भी, तो ये सब अपडेट होंगी। अपडेट क्यों, कब होंगी अपडेट, 4-5 दिनों में होंगी। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अपडेट के भरोसे आप नहीं रहेंगे, चलिए अपडेट हो रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका अपडेट नहीं होता है तुरंत, तत्काल की मैं बात कर रहा हूँ, तत्काल आप अपने कॉलेज में संपर्क करें। बस आपको एक एप्लीकेशन लिखना है कि हाँ हमारे, जैसे कि आपने प्रैक्टिकल दिया है तो प्रैक्टिकल में मैंने दिया था, फिर इसमें क्यों ऑब्सेंट है। अदरवाइज आपका किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे आपकी बैक लगी है, सारे सब्जेक्ट में आपका क्लियर है, पूरा चीज़ क्लियर है, 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में सपोज कीजिए कि आपका 0-0 आ गया है, यानी कि अब जाहिर सी बात है बच्चे में कुछ तो काबिलियत होगी, कुछ लिखा होगा। 0-0 आने का नंबर मतलब क्या है, मतलब 0-0 भाई कैसे आ सकता है। उस केस में आप स्क्रूटनी और रिजोल्यूशन का फॉर्म भरेंगे। अदरवाइज उससे पहले जो आपका अपडेट होने वाला है, इसके लिए भी आप, जैसे कि अगर आपके 0-0 मार्क्स आए हैं तो आप अपने कॉलेज में एक बार अप्लीकेशन लिख के जमा कर देंगे, कॉलेज बोर्ड की ओर भेजेगा कि हाँ इस बच्चे में हो सकता है। जैसे कि दिक्कत क्या होती है, ध्यान से समझेंगे, कभी कभी ये होता है जब बोर्ड आपका डाटा वगैरह अपलोड करता है तो कुछ दिक्कतें आ जाती हैं जिससे आपके 1 या 2 सब्जेक्ट में 0-0 नंबर आने लगते हैं। जाहिर सी बात है 0 नंबर तो कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं आने चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में हो गया, मान लीजिए कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो गया, कुछ तो आपने लिखा ही होगा, 5 नंबर 7 नंबर 3 नंबर कुछ तो लिखा होगा, लेकिन 0-0 आने का मतलब है कुछ टेक्निकल इरर या फिर कुछ अपलोडिंग में मिस्टेक हो जाती है। इस तरीके से आपके जो रिजल्ट वगैरह है, जो मार्कशीट कर लीजिए, जो रिजल्ट कर लीजिए, वो अपडेट होंगे 4-5 दिनों में। इसके लिए अभी मैंने आपको बताया कि एक बार अपने कॉलेज में अप्लीकेशन जरूर लिख रहना है। बाई चांस अगर आपका अपडेट नहीं हो पाता है तो जो आपने कॉलेज में मान लीजिए कि नोटिस दिया है, एप्लीकेशन दिया है, वो एप्लीकेशन आपका फॉरवर्ड होकर कॉलेज क्या करेगा, उस पर सोच विचार करेगा, वो आपका बोर्ड की ओर भेजेगा, तो वहां से आपका अपडेट कर दिया जाएगा, देखा जाएगा कि हाँ सही बात है कि इस बच्चों का 0-0 नंबर नहीं आना चाहिए, कॉपी में बच्चे ने लिखा है। हो सके अगर मान लीजिए कि चलिए आपकी बैक भी लगनी है तो आपका 8 नंबर मिला है, 12 नंबर मिला है, 13 नंबर मिला है, 13 नंबर दे दिया, मान लो 12 नंबर दे दिया, और किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैक नहीं लगी पिछला, तो ये आपको 12 नंबर मिल गया, तो क्या हो जाएगा, 5 नंबर आपको ग्रेस दे दिया जाएगा, तो आप पास हो जाएंगे। जिनकी ईयर बैक लगी है उनसे मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप अपने स्क्रूटनी या फिर रिवोल्यूशन का फॉर्म जरूर भर दें, इसलिए कि उससे फायदा ये होगा। अगर ईयर बैक तो लग गई है, जाहिर सी बात है कुछ पैसा आपका बर्बाद होगा, लेकिन आपका अगर एक भी मान लीजिए 5 सब्जेक्ट में बैक लगी है, अगर आपका स्क्रूटनी रिवोल्यूशन में बाई चांस 1 या फिर 2 सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है, एक भी क्लियर हो जाता है, तब आप नेक्स्ट ईयर में एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन के लिए। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आप सभी बच्चों का एडमिशन स्टार्ट हो गया है आज ही से, कई कॉलेजों में एडमिशन हो रहा है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का तो फिलहाल हो ही रहा है, काउंसलिंग वगैरह हो गई उनकी, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का। तो आपको फीस भी जमा करनी है, फीस कैसे जमा करनी है आपको विशेष वीडियो मिल जाएगा, बहुत सारे बच्चे इसके बारे में कमेंट कर रहे थे कि फीस कैसे ऑनलाइन तरीके से कैसे जमा करेंगे, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन जो आपके रिजल्ट वगैरह अपडेट होने वाले हैं 4-5 दिन में आप देख लेंगे एक बार, और एप्लीकेशन कॉलेज में जरूर दे देंगे विशेष करके, इसलिए कि बहुत सारे बच्चों की इस बार बैक लगी है, बहुत सारे बच्चे इधर उधर कमेंट कर रहे थे सर जानबूझ के BTP बोर्ड बैक लगा दिया है, तो चलिए फिलहाल तो लग गई है बैक वगैरह। अगर 0-0 नंबर आया है, मार्क्स वेटिंग आया है, एब्सेंट आया है, इन तीनों बच्चों के लिए है कि 0-0 नंबर, मार्क्स वेटिंग
ऑब्सेंट आया है, यानी MW और AA करके आ रहा है, तो आपको कॉलेज में अप्लीकेशन जरूर लिख देना है। अगर आपने प्रैक्टिकल में अगर आपका ऑब्सेंट हो या फिर थ्योरी में किसी भी सब्जेक्ट में ऑब्सेंट लिख के आ रहा हो तो आपको अप्लीकेशन लिखना है कॉलेज में। 00 मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में 00 आया हो, 2 में 3 में या फिर 1 में, तो आपको अप्लीकेशन लिखना है कि मैंने सारी चीज़ें सही की थी, आप मेरी कॉपी को, मतलब जैसे कि हो सकता है स्क्रूटनी रेजोल्यूशन भरे वो तो अलग की बात हो गया, लेकिन जो आप कॉलेज में अप्लीकेशन देंगे तो उस पर ज़्यादा मतलब सही तरीके से सुनवाई होगी, और जो कॉलेज आपका आगे की एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा बोर्ड से सारी चीज़ें बात करेगा तो आपका जल्दी हो जाएगा। और रही बात स्क्रूटनी रेजोल्यूशन की, तो आपका मंडे से, यानी कि मंडे से लगभग ऑलमोस्ट मंडे से, ऑफिशियल डेट अभी नहीं आई है लेकिन ऑलमोस्ट एक ऑफिशियल डेट जावेद मुस्फा सर ने बताया था कि मंडे से आपका शुरू हो जाएगा। तो आप वेट करेंगे मंडे से, जैसे ही जिन भी बच्चों का ग्रेस वाले तो नहीं भरेंगे, जाहिर सी बात है ग्रेस वाले भरेंगे तो फिर से बैक लग सकती है, उनकी दिक्कत हो सकती है, तो वो नहीं भरेंगे। मेरा कहना है, अब अगर आपकी इच्छा करी जो आप भर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि ग्रेस अगर आपको 2-3-4 नंबर मिल गया है तो आप नहीं भरेंगे। अदरवाइज जिनको लगता है जिनकी बैक लगी है, 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर आए हैं ऐसे करके आए हैं, या फिर 10 नंबर 12 नंबर बैक लगी है, वो स्क्रूटनी रिमिशन का फॉर्म भर देंगे, हो सकता है उनका क्लियर हो जाए। जाहिर सी बात है पैसा थोड़ा सा लगेगा, लेकिन क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं क्लियर हो जाता है तो आप अब नेक्स्ट इवन सेमेस्टर में अपना एग्जाम बैक पेपर का एग्जाम दे लेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, 2-4 दिन बाद एक बार रिजल्ट चेक कर लेंगे और अप्लीकेशन कॉलेज में अपने इंस्टीट्यूट में जरूर जमा कर देंगे, जरूर दे देंगे, सुनवाई वहाँ से जल्दी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।